नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम डीसी ऑफिस जम्मू के बिल्कुल बाहर हैं। बताना चाहेंगे, धारा 370 और 35 ए का एब्रोगेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है जम्मू कश्मीर की प्रगति और उन्नति के लिए। चलिए, कई सारे ऐसे समुदाय थे जिन्हें उनका अधिकार मिला। वाल्मीकि समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, कई सारे समुदाय थे जिन्हें उनका अधिकार मिला। पर सवाल बड़ा ये था कि स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल आया। अब कितनी परेशानियाँ आ रही है, क्या इसकी जिम्मेदारी कोई उठाएगा? इस समय एक व्यक्ति हमारे साथ हैं और लगातार ये पिछले 10 से 15 दिन से लगातार डीसी ऑफिस की खाक छान रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वेरीफाई करवाना है डोमिसाइल को, ये कापियाँ इनके पास है। सबसे पहले हम कहेंगे आप ये जो फोटो कापीज ये बताइए। वो आज 15 दिन से यही जान कि भाई साइट बंद है, साइट नहीं चल रही है। ये हम बताना चाहेंगे पूरे परिवार का डोमिसाइल है। और ये सोचिए, अगर किसी युवा ने कोई फॉर्म फिल करना हो, उसकी आखिरी तिथि निकल जाती है, तो क्या उसकी पेनल्टी एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगा? क्या आईटी डिपार्टमेंट उठाएगा जिसकी वजह से टेक्निकल कोई खराबी आ रही है कि सिस्टम लोड ही नहीं कर रहा है, यानी वो साइट ही नहीं खुल रही? और जब हम अंदर गए, हमने पूरी तहकीकात की, बात की अधिकारियों से, इवन के तहसीलदार सर से भी बात की, उन्होंने भी कहा इस चीज़ को माना कि जेन्यून मुद्दा है आम जनता का। कई लोगों को आज के दौर में आप जानते हैं डोमिसाइल, पहले स्टेट सब्जेक्ट हुआ था, होता था, हमें कोई टेंशन नहीं थी। पर अब कितनी परेशानी है कि जब यहां पर साइट ही नहीं खुल रही, कईयों ने कोई जमीन खरीदनी है, कईयों ने अपने बच्चों की कोई एडमिशन फॉर्म भरने हैं, कईयों ने नौकरियों के लिए भरना है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये बड़े सवाल रहते हैं। यानी कि आप लोग कर तो देते हैं, जनता पर फैसले तो थोप देते हैं, पर कल को कोई खराबी या परेशानी आती जनता को, आपको कोई लेना देना नहीं है। हम सीईओ जो यहाँ की अनुराधा गुप्ता, उनसे भी कॉल पर लगातार कॉल कर रहे हैं, पर वो भी कॉल पिक नहीं कर रही। अंदर से हमने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जो एक इनकी ऑफिस है, वहां से भी पता कराया, उन्होंने कहा लगातार हम मेल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पर कोई उसका पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। चलिए, इसे नवदीप जी हमारे साथ हैं। नवदीप जी, चलिए, देन तो दी स्टेट सब्जेक्ट की जगह हमें कहीं ना कहीं स्टेट से हमें केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया, डिमोशन तो हुआ हमारा, पर वही दूसरी तो स्टेट सब्जेक्ट की जगह हमें हाथों में थमा दिया डोमिसाइल। बाहर के लोगों को चलो अधिकार आपने दिए, पर जो हमारे अपने जम्मू के डोगर डुगर प्रदेश के लोग हैं, वो भी तो परेशानी झेल रहे हैं, वो डोमिसाइल के चलते लगातार चक्कर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ा बड़ा शुक्रिया दैनिक टाइम्स का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से शायद जम्मू के कुछ ऐसे मसले हैं जो ये मीडिया कर्मी जो हैं हमारे लिए दिन रात काम करती है, तो आवाज़ उठाती है हमारी। लेकिन मैं आज 10-15 दिन से इतना परेशान हूँ, मुझे कोई बड़ा ज़रूरी ये डॉक्यूमेंट जो डोमिसाइल मैंने कहीं पे लगाने थे, तो मैं 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, तो एक ही जवाब मिल रहा है कि साइट बंद है, साइट बंद है। मैंने बोला भाई अगर साइट बंद है तो इसका कोई अल्टरनेटिव है, मुझे मैनुअली दे दीजिए। नहीं जी, ये ऑनलाइन ही सिस्टम है तो ऑनलाइन ही होगा। अब ये 5G का ज़माना है, 370 तोड़ के आपने डोमिसाइल यहाँ पे लाया, तो मुझे ये बताइए ये कौन सी सरकार यहाँ पे चला रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रातों रात को बड़े बड़े ये फैसले थोप देते हैं लोगों के ऊपर। अगर स्मार्ट मीटर लगाने हो, रातों रात फैसले गवर्नर बयान देते हैं। आज डोमिसाइल जो आपने 370 तोड़ने के बाद डोमिसाइल बनाया, और आज एक महीने से यहाँ पे साइट बंद पड़ी हुई है। बिल्कुल, कहाँ सरकार सोई हुई है? आज गवर्नर साहब कहाँ है जो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की तरक्की करें, डिजिटल इंडिया, 5G होने के बाद, 5G होने के बाद यहाँ पे इनकी साइट बंद पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो अभी अकेला आदमी परेशान हूँ, कितने लोग परेशान होंगे, जो लोग यहाँ पे परेशान होंगे पा रहे होंगे। बिल्कुल, तो अब लास्ट में मैंने यही एक फैसला चुना कि मैं मीडिया कर्मी के थ्रू मैं ये एक जनता की आवाज जो है ये सरकार तक पहुंचा सकूं कि भगवान का वास्ता है कि 370 तोड़ने के बाद आप लोगों ने जो लोगों जम्मू के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो, इतना मत कीजिए। मैं परेशान हूं, मेरे डोमिसाइल आप कोई मुझे कोई हल ढूंढ के दीजिए ना, ये आपके बच्चों के एडमिशन हो, कहीं जॉब के लिए। हाँ, तो डोमिसाइल मांग रहे हैं ना, वो तो मैं कहां से दूंगा डोमिसाइल? बिल्कुल, और इनके बाद जाओ साइट बंद है। अब इसका ये फैसला सरकार ने करना है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे करेंगे। अभी आपने कपूर साहब से भी अंदर बात की, वो कहते हैं दिल्ली में पार्टी कोई बैठी है, दिल्ली में ठेका दिया हुआ, दिल्ली जितने भी कॉन्ट्रैक्टर जम्मू में स्मार्ट सिटी के, वो भी कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली के, और जो डोमिसाइल के कॉन्ट्रैक्टर वो भी दिल्ली के। आप बताइए तो जम्मू के लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम दिल्ली वालों के पास जाएंगे? आपकी नहीं सुन रहे हैं आप, इतने बड़े तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, नायब तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब यहाँ, डीसी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही? खड़े कर दिए सब, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए आपके सामने किए इन्होंने, आपने तो पूछा, आपने पूछा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली हर चीज दिल्ली में क्यों? अब मेरे सरकार से यही सवाल है, आप मुझे बताइए कि अब ये डोमिसाइल के लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ पे अपना सर पटके, मुझे इसका जवाब। स्टेट सब्जेक्ट होता तो ऐसी परेशानी होती है? नहीं, क्यों परेशानी आनी थी हमें पहले? कोई परेशानी नहीं थी, ये परेशानी तो अभी
इन्हों ने खड़ी की है, बिल्कुल 370 तोड़ने के बाद खड़ी की है। जम्मू के लोगों ने बड़े यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए, लड्डू बांटे, आज वो भारी पड़ रहे हैं आपके ऊपर। भारी क्या पड़ रहे हैं, आप तो देख रहे हो जो सड़कों के ऊपर जितना तांडव हो रहा है हमारे जम्मू की सड़कों के ऊपर, कहीं स्मार्ट मीटर तो कहीं ये अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, किसी की नहीं है यहाँ पर। सर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। आज देखिए स्मार्ट मीटर के नाम पे मैं अपने जिस मोहल्ले में रहता हूँ, आज सुबह से 7 बजे का कट लगा था, 11 बजे तक बिजली नहीं आई वहाँ पे। एलजी साहब तो कहते थे अब नहीं होगा। स्मार्ट मीटरों के नाम पे ये बोलेंगे आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। कौन सी 24 घंटे बिजली मिल रही है मुझे ये बताइए। और ये मुझे ये भी पता है, ये म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन आ गई है ना, अब ये कट लगाना शुरू हो गया कि लोगों के बिल कम आए, कि लोग ज्यादा मत बोले, क्यों कट लगेगा तो बिजली थोड़ी कम चलाएंगे, तो ये चलाकियां कर रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर लगाने का यही फायदा है कि 24 घंटे में बिजली दो, वो तो उसकी मर्जी है जितनी चलाए। ये मजाक बनाया हुआ जम्मू कश्मीर में इन्होंने, पता नहीं आप, क्या आप देखिए ना, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं किसी की भी। आप पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हमने अंदर जब कपूर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट है। हम अनुराधा जी को भी कॉल कर रहे हैं, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सीईओ है वो जो जिनके अंतर्गत ये सारा आता है, तो उनसे जानते हैं, प्रयास करते हैं। एडी साहब की भी, एडीसी साहब की भी गाड़ी गई है, पर ये सब ने हाथ खड़े किए हैं भाई। अंदर से भी हमें बात, जो हमने बात की, उन्होंने कहा भाई ये दिल्ली से है, तो दिल्ली वाले कहाँ सोए हैं भाई। दिल्ली ये थे आखिर, ये बताइए जम्मू के लोग कहाँ जाए। दिल्ली में तो अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं, वो फरमान जारी कर रहे हैं, पर जिनको जो इस समय सफर कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे। मे भी किसी एडमिशन के लिए फॉर्म भरना हो। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अनुराधा मैम बोल रही हैं, सीईओ जो कि यहाँ पर मैम, एक्चुअली डोमेसाइल मैम, हाँ जी जी, के जा से मैम। ये मुझे एक इशू जानना था आपसे। एक महीने से पिछले मैम यहाँ की जो हमारी तहसील ऑफिस हैं जम्मू में अलग अलग, वहाँ पर ये जो डोमिसाइल यहाँ से वेरीफाई होते हैं वो साइट ही बंद है मैम। हाँ कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो हमने जो वहाँ का जो डेवलपर है उसे टेकअप किया है, कुछ डाटा थोड़ा ज्यादा हो गया था, उसको कर रहे हैं, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा मैम। तो अगर देखिए एक दो दिन क्या, एक घंटा भी मैम जरूरी, एक दिन भी बड़ा लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी ने अगर कोई फॉर्म भरना है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वहाँ पे लास्ट डेट अगर आज की होगी कल की होगी, तो वो उसकी पेनल्टी मैम किसकी जिम्मेदारी होगी। मैं बता रही हूँ ना कि कुछ टेक्निकल इशू था मैम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेक्निकल 5G का जमाना के इतना समय लगता है, एक महीने से मैम जनता सफर कर रही है ना, जनता तो सफर कर रही है। एक महीने से नहीं है जो मेरे नोटिस में आया है, मुझे कुछ दिन पहले ही ये इशू मेरे साथ फ्लैग किया गया था, और जैसे ही मेरे साथ ये इशू फ्लैग किया गया है मैंने इमीडिएटली डेवलपर के साथ टेकअप किया है, वी आर गेटिंग इट रिजल्ट्स। जी मैम, क्योंकि हमने देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ही बोला है, अधिकारियों ने बोला है कि भाई हमारे हाथ तो खड़े हैं, ये जो भी होगा दिल्ली से होगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें जो भी टेक्निकल इशू है वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। मैम कितनी जल्दी, फिर भी बताइए ना, कोई समय होगा, समय सीमा होगी। मैं आपको बता रही हूँ कि एक दो दिन में हम कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए। टेक्निकल इश्यूज में थोड़ा टाइम तो लगता है कि अगर कोई ग्लिच आ गई है तो उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन इट एंड जितना जल्दी हो सके कर लेंगे। चलिए मैम, आई होप कि जल्दी हो जाए ताकि जनता को जो परेशानियां वो ना हो। धन्यवाद मैम। ये देख लीजिए जनाब, आपके सामने हमने सीईओ जो है जकेजा की, उनसे बात की है, शुक्र है फोन उठा लिया अनुराधा मैम ने, और इन्होंने कहा विद इन एक या दो दिन के लिए। और खुद सोचिए अगर किसी की लास्ट डेट आज हो या कल हो, किसी ने एडमिशन के लिए भरना, अब दो दिन भी पक्का नहीं। इन्होंने कहा कि टेक्निकल ग्लिचेज आ रहे हैं, तो ये ना इतना बड़ा यानी कि आप 5G तक पहुंच गए, अभी भी आप लग रहे हैं टेक्निकल ग्लिचेज है, यानी आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो अभी भी टेक्निकल ग्लिचेज है, ये बड़े अफसोस की बात है। आप किस ओर देश को लेकर जा रहे हैं, किस ओर हमारी जनता को लेकर जा रहे हैं। तो क्या अगर स्टेट सब्जेक्ट होता तो आज डोमिसाइल के लिए परेशान होते नवदीप जी, तभी जनता कहती हमें भाई पुराने वाले दिन अच्छे हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट ही ठीक था, जो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि हमें डिमोट किया गया, और डिमोशन के साथ साथ आपने परेशानियों को भी जनता को डाल दिया। अब सीओ जकेजा से बात हुई अनुराधा जी से, उन्होंने दो दिन का समय, देखिए आपके सामने बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, अगर वो दो दिन में ये नहीं करते हैं तो फिर मुझे ये नहीं पता कि फिर वो मैं शायद प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा, भाई आपने 370 तोड़ी है यहाँ पे, अमित शाह जी यहाँ पे आइए और देखिए जम्मू कश्मीर के क्या हालात है। तो अब ये दो दिन का टाइम है मैडम, मैं दो दिन वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं दो दिन के बाद दोबारा आएंगे, फिर दोबारा फोन करेंगे कि इनका इशू सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद।
जी हम इस समय डीसी ऑफिस के बाहर थे, आपको पूरी बात बताई किस तरह से नवदीप जी अपने पूरे परिवार का डोमिसाइल बनाने आए थे, पर वेरिफिकेशन जो होती है जो ऑनलाइन निकलता है उस पर क्वेश्चन मार्क आया, वो अभी तक नहीं निकला और कई दिन से लगातार यहाँ के चक्कर काटते हैं। जब हम अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है, तहसीलदार सर से बात की है, जो इन्फॉर्मेशन की वहाँ बैठते कपूर साहब उनसे बात की है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये स्टेट आईटी का काम है। तो जब हमने सीओ जकेजा से बात की अनुराधा जी से, उन्होंने कहा मैडम ये आ रही टेक्निकल ग्लिचेज है, पर विद इन टू डेज, वन या टू डेज इसको रिजॉल्व करने की पूरे प्रयास करेंगे, मतलब अभी भी प्रयास करेंगे, रिजॉल्व होगा नहीं का ये आने वाला समय बताएगा और दो दिन के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? भगवान ना करे किसी बच्चे ने अगर फॉर्म फिलअप करना हो उसकी लास्ट डेट हो जाएगी, किसी ने कोई ज़मीन अपनी खरीद फरोख्त करनी है या किसी ने कहीं एजुकेशन यानी कि ये कहेंगे कि एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है, अगर वो ओवर डेट हो जाती है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? यानी कोई अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स कीजिए कि कौन जवाबदेही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हाथ खड़े कर दिए, हर चीज़ दिल्ली से जाकर क्यों रुकती है? क्या इसीलिए आपने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था जम्मू कश्मीर को, ताकि जम्मू के लोग यहीं बढ़ रोते रहें, बिलखते रहें तो दिल्ली वाले आराम से मज़े लेते रहें? आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।